जो Y1 जो है वो C1 के साथ है और Y2 जो है वो C2 के साथ है। X जो है अपना राइट हैंड साइड है, सो क्वेश्चन का जो RHS है उसको कैपिटल एच बुलाएंगे। W का ये फॉर्मूला है, Y1 और Y2 पता है तो Y1 डैश और Y2 डैश मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है और उसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आंसर मिल जाएगा -2। अब ये यू का फॉर्मूला है, अब ये 2 बार रिपीट हुआ है तो ये लाइन को आप इग्नोर ही कर दीजिए इधर तक के, क्योंकि वापस वही चीज़ नीचे लिखा है। तो यू इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज अ फॉर्मूला, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो अनफॉर्चुनेटली नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो तो e^x होता है। अगर ऊपर e^x होता तो अपना काम हो जाता, बट यहाँ पे नहीं है इसलिए हम लोग e^-x को t पुट कर देते हैं। तो e^-x dx जो है वो -dt हो गया, तो इसके जगह पे बचेगा -∫dt 1+1/t, और इसको सॉल्व करके ये मिलेगा। अब ये इंटीग्रेशन नॉर्मली सॉल्व होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे t+1 -1 लिख रहा हूँ। t+1/t+1 1 हो गया, 1/t+1 अलग से, माइनस साइन की वजह से ये वाला चीज माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन टी और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ दिस थिंग, टी के जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। वी का भी वैसा ही फॉर्मूला है, बट लकीली ये चीज बचता है जहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सच थिंग इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दिए है और सॉल्यूशन मिल गया।